नासा का मिशन है अज्ञात का लेखा जोखा लेना। हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम नहीं जानते। ब्रह्मांड की फितरत ऐसी ही है। जवाबों की खोज में ये वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष यानों को हमारी सौर प्रणाली के छोर से भी आगे पहुंचाता है। जोखिम उठाना खोज करने से जुड़ा एक काम है। अंतरिक्ष की खोज बिन माचिस की तीली जलाने जैसा है। हमें नहीं मालूम कि अंधेरे में क्या कुछ मौजूद है। वहां तो कुछ भी हो सकता है। सरकार की पोशीदा परियोजनाओं से जुड़ी रहस्यमय फ्लाइंग सॉसर्स, शनि ग्रह पर विशाल हेक्सागन, चंद्रमा के नजदीक स्पेस क्विड और दूर दराज दुनिया में मौजूद परग्रही पावर प्लांट, नासा के मिशन परेशान करने वाले सबूत ढूंढ रहे हैं। हमें 3 से 4 चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, ऐसी 3 चीजें हैं। ये सबूत हमारे सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाले हुए हैं। तो आइए देखते हैं नासाज अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। इस घटना की शुरुआत झील की एक सूखी तली के किनारे हुई। मैं शायद चाइना लेक के नजदीक था और यहाँ एक ऐसी चीज देखी गई जो इस दुनिया की नहीं थी। नासा के एक जाने माने एस्ट्रोनॉट का मानना है कि फ्लाइंग सॉसर सचमुच होती है, बस उन्हें बाकी दुनिया को इसका यकीन दिलाना है। लेकिन उनके लिए इस रहस्य की भी अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। ये सबसे भरोसेमंद दास्तानों में से एक है जिसे एक बहुत ही भरोसेमंद प्रत्यक्षदर्शी ने बयां किया है। ये घटना इस दुनिया से कतई भी ताल्लुक नहीं रखती। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर ये एक सामान्य दिन था। एडवर्ड, टेक ऑफ के लिए क्लियर। लेकिन एडवर्ड्स में कोई भी दिन सामान्य नहीं होता। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस एक ऐसी जगह है जहां कई तरह के चरम गोपनीय प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। कैप्टन गॉर्डन कूपर एक अनुभवी टेस्ट पायलट है। ये ऐसे विमान उड़ाते हैं जो एरोनॉटिकल डिजाइन के हिसाब से बहुत उन्नत होते हैं। वो एक ऐसे पायलट थे जो मौजूदा सीमाओं से और आगे जाकर ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तार पर उड़ान भरना चाहते थे। कूपर कैलिफोर्निया रेगिस्तान के नजदीक एक झील की तली में एक अनोखी नए लैंडिंग सिस्टम को टेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जेम्स बिटिक और जैक गेटीज नाम के 2 फोटोग्राफरों को झील के किनारे पर रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के लिए भेजा। लेकिन जब बिटिक और गेटीज अपने उपकरण लगा रहे थे तो उनका ध्यान किसी चीज की तरफ गया। उन्होंने झील की तली पर एक अजीब से यान को देखा। वो उसको फिल्माने लगे क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा यान कभी नहीं देखा था। इस यान में से एक तिपाही जैसा लैंडिंग गियर निकला। ये मंडराया नीचे आया और फिर झील की तली में उतर गया। इस बीच कैमरामैन इसे फिल्म पर कैद करते रहे। ये लोग पैदल इसके पास गए। ये ऊपर उठा, इसने लैंडिंग गियर को अंदर किया और वहां से गायब हो गया। बिटिक और गेटीज ने इस उड़न तश्तरी की तस्वीरें कैद की और इस अजीबोगरीब चीज के बारे में बताने के लिए कूपर की तरफ दौड़े। ये हिम्मती लोग थे, ये आसानी से नहीं डरते थे। जरूर कुछ ऐसा हुआ था जो सामान्य नहीं था। कूपर को शुरू में यकीन नहीं हुआ लेकिन नेगेटिव देखने पर उन्हें विश्वास हो चला। उन्होंने इन तस्वीरों को एक ताला बंद कोरियर बॉक्स में पूरी रिपोर्ट के साथ वॉशिंगटन भेजा। लेकिन ये फुटेज फिर दोबारा नजर नहीं आई। यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, इन लोगों ने आखिर क्या देखा था, और दूसरा ये कि फुटेज कहाँ है। नासा के जिम ओबर्ग ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक में इस घटना की रिपोर्ट को देखा है। अमरीकी वायुसेना के इस किताब में 12,000 से ज्यादा यूएफओ की नजर आने का रिकॉर्ड है। ब्लू बुक में ये रिपोर्ट उस तारीख में दर्ज है। ये घटना वहाँ है। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के भी नाम है। इसका रिकॉर्ड मौजूद है और आप नेशनल आर्काइव से माइक्रोफिश पर इसकी एक कॉपी हासिल कर सकते हैं। बेशक ब्लू बुक तो मौजूद है लेकिन इसके साथ कूपर की जो रिपोर्ट और फिल्म इसके साथ फाइल की गई थी वो रहस्यमय ढंग से गायब है। मौजूद है तो बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें। लेकिन कूपर और उनके फोटोग्राफरों ने बाद में जो दास्तान बताई वो एकदम स्पष्ट थी। गॉर्डन कूपर ने उस घटना के बारे में जो बताया
वो एकदम साफ था। ये एक यूएफओ थी, ये जमीन पर उतरी थी, फोटोग्राफरों ने इसकी फिल्म बनाई थी, उसमें अजीब लोग थे और इंटेलिजेंस ऑफिसर ने आकर उससे वो फिल्म ले ली। सब लोगों को धमकाया गया कि वो इस बारे में फिर कभी बात ना करें। अगर ये सच है तो आखिर कौन सी बात इतनी गंभीर प्रतिक्रिया पैदा कर सकती थी? कुछ लोगों का मानना है कि कूपर के फोटोग्राफरों ने एक ऐसे प्रायोगिक विमान को देखा था जिसके बारे में बेहद गोपनीयता बरती गई थी। अजीब बात यह है कि अमेरिका की वायुसेना एक असली उड़न तश्तरी को विकसित कर रही है। टेक ऑफ, मंडराने, ट्रांजिशन और आगे की तरफ उड़ान भरने के दौरान एरोडायनामिक लक्षणों को निर्धारित करने के लिए विंड टनल टेस्ट किए गए थे। एवरोकार की सेंट्रल ग्रेविटी। एवरोकार तब तक उड़ाए गए किसी भी विमान से एकदम अलग तरह की चीज थी। एवरोकार दरअसल एक पंखे जैसे थी जिसके चारों ओर तरफ एक गोल चीज मौजूद थी। इसमें डैनी नजर नहीं आते थे, इसमें तो ब्लेड भी नहीं दिखते थे, वो सब चीज अंदर थी। तो अगर आप इसे देखें तो पहला अंदाजा यही लगाएंगे कि शायद आपने किसी यूएफओ को देखा है। एवरोकार उस चीज से काफी मेल खाती है जो फोटोग्राफरों ने उस दिन देखी थी। इसके एवरोकार होने की काफी गुंजाइश थी, लेकिन एवरोकार के साथ एक सवाल जुड़ा था, क्या ये वाकई उड़ती है? एवरोकार कभी कामयाब नहीं हो पाई, ये किसी हेवोक्राफ्ट से ज्यादा कुछ नहीं थी, ये बस जमीन से करीब 1.5 मीटर ऊपर तक ही मंडराती थी, ये वाकई अनियंत्रित रहती थी। एवरोकार के बारे में हम जो कुछ जानते हैं उसके बल पर कह सकते हैं कि उसमें उतनी दूरी तक जाने की काबिलियत नहीं थी। असल में टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये मशीन इतनी नाकाम थी कि इस पर 1950 के दशक में काम बंद कर दिया गया। तो बिटिक और गेटीज ने जैसी उड़ान देखी थी, एवरोकार उस तरह उड़ ही नहीं सकती थी। लेकिन ओबर्ग को लगता है कि उन्होंने जो कुछ देखा था उस विवरण को इन वर्षों के दौरान बदल दिया गया है। ये दास्तान बदलती रही है, ये दास्तान साल दर साल आगे बढ़ने के दौरान परिवर्तित होती रही है। इन दास्तानों को बार बार बयान किया गया है, इनमें ये बदलाव सुनाने वालों और सुनने वालों दोनों को खुश करने के लिए होते रहे हैं, और इसी वजह से ये हकीकत से बहुत ज्यादा दूर हो गई है। ब्लू बुक की रिपोर्ट के आधार पर ओबर्ग को लगता है कि बिटिक और गेटीज ने क्षितिज पर मंडराते किसी वेदर बलून को देखा होगा। उस वक्त साफ साफ ये कहा गया कि ये चीज हवा के साथ तैर रही थी और इसे सुबह के फ्लाइट टेस्ट की तैयारी के लिए छोड़े गए एक बलून के कुछ मिनट बाद तक देखा गया था। लेकिन इन दोनों लोगों ने जो कुछ देखा वो तो इस बात से मेल नहीं खाता। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक वेदर बलून वाली बात इस मामले को ढकने के लिए है। गॉर्डन कूपर की बात को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। वो एक कमाल के पायलट और एस्ट्रोनॉट थे। उन्होंने उस दिन जो कुछ भी देखा उससे वो वाकिफ रहे होंगे और उन्होंने इस बात को लेकर कोई शंका नहीं थी कि वो चीज इस दुनिया की नहीं थी। मैं एक फोटोग्राफर से संपर्क बनाने में कामयाब हो सका जिनका नाम था गेटीज। उन्होंने ये बात मानी कि कूपर का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो उस समय बेस पर भी नहीं थे। हालांकि वो बेस पर तो थे लेकिन इस क्रू के साथ काम नहीं कर रहे थे। कूपर ने बाद में खुद को इस कहानी के साथ जोड़ लिया था। लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि गेटीज ने उस दिन कुछ ऐसा देखा था जिससे वो परिचित नहीं थे। जब तक सरकार इस मामले में आगे नहीं आती है, सरकार से मेरा मतलब वायुसेना से है, और जब तक वो एडवर्ड एयरफोर्स बेस पर किसी दूसरी दुनिया से आई किसी चीज के लैंड करने की बात नहीं मानती और जब तक इसकी फिल्म और रिपोर्ट को सामने नहीं लाती, हम इस रहस्य की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। शनि ग्रह के ऊपरी हिस्से में कुछ अजीब घट रहा है। सोलर सिस्टम में किसी भी दूसरे ग्रह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इस डिजाइन को जानबूझकर बनाया गया है? कहीं इसके पीछे किसी तरह की कोई इंटेलिजेंस तो मौजूद नहीं? आखिर शनि का ये विशाल हेक्सागन क्या है? कोई चीज इसे बना रही है, कोई चीज इसे एकजुट रखे हुए है, पता नहीं ये क्या है। सोलर सिस्टम से बाहर अपनी यात्रा के दौरान नासा का स्पेसक्राफ्ट वॉयजर अपने अगले लक्ष्य पर पहुंचता है, यानी शनि ग्रह पर। लेकिन इसके कैमरों को सिर्फ इसकी झल्ले वाली साइड ही नजर आती है। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के पास से उड़ते हुए इसकी ढेर सारी तस्वीरें लेता जा रहा था। जब एक वैज्ञानिक ने इसकी कई तस्वीरों को जोड़कर इस ग्रह के ध्रुव की एक तस्वीर बनाई तो उसे एक अप्रत्याशित परिणाम हासिल हुआ। उन्हें शनि ग्रह के ऊपर 6 साइड वाली एक आकृति नजर आई।
एक हेक्सागन ने शनि के उत्तरी ध्रुव को अपने चपेट में ले रखा था। उसकी आकृति कुदरती तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। सोलर सिस्टम में किसी दूसरे ग्रह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नासा ने इस खोज को ज्यादा तरजीह न देने की कोशिश की। नासा ने कहा कि ये तो मौसम का एक पैटर्न है। उस वक्त इसे लेकर उत्सुकता थी, लेकिन इस बारे में और ज्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाए तो उत्सुकता धीरे धीरे खत्म हो गई। शनि ग्रह के इस राज को भुला दिया गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जून सन 2004। कसिनी का स्पेस प्रोब शनि ग्रह पर पहुंचा। वॉयेजर जहां नहीं देख पा रहा था, ये देख सकता था, यानी शनि ग्रह के उत्तरी ध्रुव के अंधेरे वाले हिस्से में। कसिनी ध्रुवों तक जाकर वहां से नीचे देख पा रहा था। अब तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट ऐसा नहीं कर पाया था, और इसके इंफ्रारेड कैमरे ने जो कुछ देखा उसने नासा के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। शनि ग्रह पर आज भी ये विशाल हेक्सागन नजर आता है। ये आज भी वहां है। पिछले 30 साल में इसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। इस चीज को स्थिर होना चाहिए। ये अपना आकार इस तरह बनाए नहीं रख सकती। ये गड़बड़ी बहुत विशाल है और इसका आकार 4 पृथ्वियों जितना है, लेकिन इसके आकृति की वजह से कुछ अजीबोगरीब चीजें भी हो रही हैं। बादल इस हेक्सागन में ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई रेस ट्रैक हो। पहले ये बादल एक सीधी रेखा में जाते हैं, फिर ये मोड़ काटते हैं, फिर ये अगली सीधी रेखा में जाते हैं। कोई चीज इसे बना रही है, कोई चीज इसे एकजुट रखे हुए है, पर पता नहीं ये क्या है। जब ये आकृति नजर आती है तो मन में ये ख्याल आने लगता है कि कहीं इसके पीछे किसी तरह की कोई इंटेलिजेंस तो नहीं। अब हमें ये लगने लगा है ये किसी मौसम पैटर्न के बजाय कोई कृत्रिम संरचना है। कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह की किसी विशाल संरचना का इस्तेमाल अंतरिक्ष में यात्रा के लिए इस गैस से भरे विशाल ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए हो सकता है। इंटरस्टेलर दूरियों को तय करने के लिए आपको जरूरत होती है प्रोपेलेंट की, और ईंधन लेने के लिहाज से शनि ग्रह एक बेहतरीन जगह है। शनि के वायुमंडल का 75% हिस्सा हाइड्रोजन गैस है, यानी वही ईंधन जो हमें चंद्रमा तक ले गया था। वायुमंडल में हीलियम-3 भी है। भविष्य में यही गैस इस्तेमाल हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गैस वाला ये विशाल ग्रह एक विशाल गैस स्टेशन हो? ये काम कैसे किया जा सकता है इसे समझना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमसे ज्यादा विकसित कोई सभ्यता ये काम कर सकती है। वैज्ञानिक ये बात नहीं मानते कि शनि ग्रह के इस विशाल हेक्सागन के पीछे कोई बड़ी सी गैस रिफाइनरी हो सकती है। बहुत से लोगों ने ये कहने की कोशिश की है कि शनि पर मौजूद ये कोई परग्रही चिन्ह है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके कुदरती कारण हो सकते हैं। प्रोफेसर पीटर रीड ऐसे ही कुदरती कारणों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। वो शनि के वायुमंडल का एक मॉडल इस्तेमाल करके इस गड़बड़ी की छानबीन कर रहे हैं। यहाँ ये टैंक शनि ग्रह के उत्तरी गोलार्ध को दर्शा रहा है और ध्रुव इसके बीच में है। जहां हेक्सागन मौजूद है वहां शनि ग्रह पर एक ताकतवर जेट स्ट्रीम होती है। बीच में घूमने वाली एक डिस्क से तरल का एक ज्यादा तेज प्रवाह यानी एक जेट स्ट्रीम बनती है। जहां ये दोनों प्रवाह मिलते हैं वहां हेक्सागन बनना चाहिए। तो हम टैंक में थोड़ी सी हरी डाई डाल के ये चीज दिखा सकते हैं। डाई पूरे टैंक में घूमती है, इससे हेक्सागन की 6 साइड बन जाती है। रीड के इस उपकरण ने शनि ग्रह के विशाल हेक्सागन का रहस्य उजागर कर दिया, लेकिन इसके नतीजे के साथ एक समस्या जुड़ी हुई है। इस प्रयोग में वर्लपूल वोर्टिसेस हेक्सागन की साइडों को सीधा रखते हैं। शनि ग्रह पर हमने काफी देखा, लेकिन हमें ऐसा कोई वर्टिसेस सीधाई वाले हिस्सों में नजर नहीं आया। इन वोर्टिसेस के बिना इस हेक्सागन को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक रहस्य है और हम इसकी वजह नहीं जानते। शनि के इस विशाल हेक्सागन की वजह का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा कह सकता है कि ओ ये क्या है, और जवाब होगा ये सचमुच कुछ अजीब है।
चंद्रमा की कक्षा में कई गड़बड़ियां। इस मिशन के साथ एक के बाद एक भयंकर गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? फिर नजर आ रही है मंडराती हुई अजीब नीली रोशनियां। क्षितिज के ऊपर वो नीली रेखा क्या है? अपोलो 14 के एस्ट्रोनॉट एलन शेपर्ड और एडगर मिचेल भारी मुश्किल में हैं। जब ये लोग 5 फरवरी सन 1971 को चंद्रमा पर उतरने की तैयारी में थे तो लूनर मॉड्यूल कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में गड़बड़ होने लगी। हमें स्थिति के लिए तैयार करके इसके बारे में सोचना चाहिए ह्यूस्टन। रॉजर, हम इसे टीवी पर देख रहे हैं। हमें पता था कि हम क्या करने वाले थे, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो हमारी योजनाओं के मुताबिक नहीं था। उन्होंने डिसेंट इंजन को फायर किया, तभी उन्हें कंप्यूटर पर 1200 सीरीज अलार्म मिलने लगा। इस अलार्म के चालू रहते हुए वो नीचे नहीं उतर सकते थे। खतरा ये था कि इस अलार्म के बजते रहने पर अगर वो चांद के सतह पर उतरने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर सिस्टम काम ना करता तो कंप्यूटर मॉड्यूल को खुद ब खुद फिर से कक्षा में भेज देता। अपोलो 13 मिशन को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लिहाजा ये एक बड़ी बदनामी का सबक बनता। तो मिशन कंट्रोल और MIT के ग्राउंड कंट्रोलर ने एक समाधान निकाला। उन्होंने अलार्म को बाईपास करने का फैसला किया और उन्होंने ये बात स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एल और एड तक पहुंचा दी। अब इस मिशन की कामयाबी इस प्रक्रिया को ठीक से अंजाम देने की मिचेल की काबिलियत पर निर्भर थी। सिस्टम में एक फेलियर मौजूद था और हमें लैंड करने से पहले सिस्टम के इस हिस्से को निष्क्रिय करना था। एड को डिस्प्ले कीबोर्ड पर प्लस के निशान को करीब 80 बार दबाना था। अगर वो एक भी एंट्री मिस कर देते तो सिस्टम अबॉर्ट हो जाता और डिसेंट इंजन को चालू कर देता। हमें इस काम की जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमें जो कुछ भी करना था बस उसे बिल्कुल ठीक से करना था और चेकलिस्ट का पालन भी करना था। मिशन कंट्रोल से निर्देश मिलने पर मिचेल ने ऑटोमेटिक अबॉर्ट से कुछ ही पल पहले कंप्यूटर को रीसेट कर दिया। एंड्रेस ह्यूस्टन, कंप्यूटर आपके नियंत्रण में है। शुक्रिया, आपके साथियों ने बहुत ही अच्छा काम किया, मजा आ गया। लेकिन मिशन को तभी अचानक एक और झटका झेलना पड़ा। ये लोग जब चंद्रमा की सतह से उतर रहे थे तो जैसी पहली समस्या ही काफी नहीं थी, अब लैंडिंग रडार की शक्ल में इन्हें दूसरी समस्या का सामना भी करना पड़ा। एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली ने भी काम करना बंद कर दिया। ये लोग अंदाज से उड़ान भर रहे थे, इन्हें ऊंचाई का कोई अंदाजा नहीं था, इन्हें चांद की सतह पर मौजूद किसी पहाड़ से टकराने का भी डर था। 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे उतरते हुए लूनर मॉड्यूल चंद्रमा से टकराने वाला था। स्थिति बहुत नाजुक थी। अगर हम लैंडिंग रडार को चालू नहीं कर पाते तो हम सतह पर उतरने का काम ही नहीं कर पाते। एस्ट्रोनॉट ने एक सर्किट ब्रेकर को रीसेट कर दिया और रडार चालू हो गया। बहुत बढ़िया, ह्यूस्टन से बोल रहे हैं, अब आप लैंडिंग करेंगे। यहाँ सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने सिस्टम को रीसेट कर दिया और ये चालू भी हो गया, लेकिन उस वक्त उन्हें इसकी वजह पता नहीं चल पाई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि चंद्रमा के इस हिस्से में अपोलो मुश्किलों में घिरा था। बदकिस्मत अपोलो 13 मिशन को भी इसी जगह पर उतरना था। कहीं बाहर से तो कोई हमें ये साफ साफ संदेश नहीं दे रहा था कि चंद्रमा पर जाना बंद करो, नासा तो ये कभी नहीं कहेगा। 1 मीटर प्रति सेकंड कॉन्टेक्ट एल, अब रुकिए। ओके, हमने लैंडिंग कर ली है। लैंडिंग के साथ हस्तक्षेप करने वाली किसी अज्ञात शक्ति का आइडिया दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने के बाद जब मिशन की तस्वीरों को डेवलप किया गया तो शक पैदा हुआ। तस्वीरों में एक चीज बड़ी साफ नजर आ रही थी, वो थी आसमान में दिख रही नीली लकीरें जो जैसे मंडरा रही थी। अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर 33 घंटे से ज्यादा रहे, मगर उन्होंने इन अजीब नीली रोशनियों को नहीं देखा। मगर मिशन के दौरान ली गई कई तस्वीरों में ये नजर आ रही थी। तो हर कोई यही सवाल पूछने लगा कि आखिर ये चीज है क्या, क्षितिज पर मौजूद ये नीली लकीरें क्या है। नासा का मानना है कि ये अंतरिक्ष के वैक्यूम में कॉस्मिक किरणों द्वारा फिल्म का हुआ नुकसान है। कॉस्मिक रेज, एक्स रेज बेहद उच्च ऊर्जा वाले कण और रेडिएशन है। चंद्रमा पर जो तस्वीरें ली गईं, उन्हें फिल्म कैन में रखा गया था, लेकिन चंद्रमा पर कॉस्मिक किरणों, गामा किरणों या अन्य तरह के रेडिएशन से कोई बचाव हासिल नहीं है, तो हो सकता है कि इन कैनों को कॉस्मिक किरणों का हमला झेलना पड़ा हो। नासा को कॉस्मिक किरणों को जिम्मेदार ठहराना अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफी रहस्यमयी है। मुझे लगता है ये एक अच्छा बहाना है।
मुझे तो ये कॉस्मिक किरणें नहीं लगती, सभी फिल्में एक्सपोज क्यों नहीं हुई? नासा की बात मानने की मुझे कोई तुक समझ नहीं आती। उसके बाद वाले चंद्र अभियानों में ऐसी रहस्यमय नीली रोशनियों का और कोई सबूत नहीं मिला। वो रोशनियां जो भी थी उन्हें फिर से नहीं देखा गया। शटल प्रोग्राम को कई अजीब स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये कोई प्राकृतिक घटना है या कुछ और है? अजीबोगरीब चीजें फिजिक्स के नियमों को नकारती हैं। सवाल यह है कि ये चीजें आती कहाँ से हैं? और जिस बात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को हो सकती है उसके बारे में कुछ परेशान करने वाले सवाल पैदा होते हैं। क्या ये सिर्फ हादसे हैं या हमें आगाह किया जा रहा है? मार्च सन 2001, स्पेस शटल डिस्कवरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक के अपने अभियान को बखूबी अंजाम देती है। STS-102 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजनी थी। इसे एक्सपेडिशन 1 और एक्सपेडिशन 2 के क्रू को भी अदला बदली करनी थी। स्पेस से जुड़े कामकाज के संदर्भ में ये काम बहुत ही सामान्य कहा जाएगा। लेकिन जब कमांडर जेम्स डी वेदरबी और उनका क्रू पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहा था तो शटल की बाहरी कैमरों ने कुछ ऐसा देखा जिसे किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने नहीं देखा। अचानक उन्हें कुछ और नजर आया। कई चीजें शटल के पास से कई कोड़ों पर गुजरती लग रही थी। ये घटना इसलिए दिलचस्प लग रही थी क्योंकि ये चीजें दिशा बदलती लग रही थी। ये चीजें अलग अलग उड़ती लग रही थी। ये चीजें चलती रुकती और अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती। इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और इन अजीब चीजों के व्यवहार को लेकर कुछ लोग शटल के साथ पहले भी हुई ऐसी घटना से इसकी तुलना करने लगे। ये घटना भी उसे घटना जैसी ही लग रही थी जो 10 साल पहले एक अन्य शटल मिशन के दौरान पेश आई। सन 1991 में डिस्कवरी मिशन STS-48 के दौरान भी एक चीज बड़ी तेजी से इसी तरह से दिशा बदल रही थी। कैमरे के फ्रेम में दाईं तरफ वाले कोने से एक चीज दाखिल होती है, फिर अचानक वो चीज वापस मुड़ जाती है। कोई चीज आमतौर पर तब तक दिशा नहीं बदलती जब तक ये किसी के नियंत्रण में ना हो, तो आखिर ये हो क्या रहा था? नासा के विश्लेषक जिम ओबर्ग को लगता है कि इन दोनों ही मामलों में ये चीजें अंतरिक्ष में तैर रहा मलबा था जिसे शटल के थ्रस्टरों ने परे धकेल दिया था। स्पेस शटल बहुत ही बड़ी होती है। इसका आकार किसी छोटी विमान जितना होता है। अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें हटती रहती हैं। उनसे बर्फ के छोटे छोटे कण अलग दिशाओं में धकेल दिए जाते हैं और ये हमेशा उन दिशाओं में नहीं होते जो आप सोचते हैं, क्योंकि प्लूम भी शटल के अन्य हिस्सों से झटक कर अलग होता है, जैसे कि रिंग या पिछले छोर से, और ये अलग अलग दिशाओं में वापस आता रहता है। इसकी वजह से बहुत ही कमाल का और बहुत ही अजीब वीडियो बन जाता है। जून सन 2005 में एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के कारण नासा ने उस दिन के डेटा को और थ्रस्टर्स बर्न्स के सही समय से जुड़ी जानकारी को रिलीज किया जिस दिन ये चीज देखी गई थी। जब आंकड़ों का विश्लेषण हुआ तो ये समय उन चीजों की गतिविधि से मेल खाता लगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में इन दोनों घटनाओं की फुटेज कुछ पेचीदा सवाल उठाती है। क्या हमने इस चीज पर किसी हथियार से फायर किया जिससे ये दूर चली गई? इस चीज का अपने पीछे आ रही रोशनी से बचकर एकदम से मुड़कर अंतरिक्ष में चले जाना कुछ ऐसा लगता है जैसे UFO को गिराने की कोशिश की गई लेकिन उसने अपनी जान बचा ली। इस बात के स्पष्ट सबूत नहीं है कि नासा ने कभी अपनी शटल पर हथियार लगाए हों। आगे देखिए, गहरे अंतरिक्ष से एक अनजान चीज पृथ्वी की तरफ एक सिग्नल भेजती है। कहीं ये कोई परग्रही इंटेलिजेंस तो नहीं थी? कहीं ये किसी दूर दराज दुनिया से प्रत्यक्ष संपर्क तो नहीं? मैं जानता था कि ये कोई अजीब चीज थी। अगर ये चीज असली निकल आती है तो ये लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। वैज्ञानिक ऐसे रेडियो ट्रांसमिशनों की खोज में लगातार सितारों को खंगालते रहते हैं जो एक दिन हमारा संपर्क किसी इंटेलिजेंस परग्रही जीवन से करा सकते हैं। किसी रेडियो टेलीस्कोप के जरिए इस तरह का कोई सिग्नल हासिल करना ही परग्रही जीवन को खोजने का एक अकेला सबसे संभावित तरीका है। और 19 अगस्त सन 1977 को रेडियो एस्ट्रोनोमरों को ये लगा कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है।
ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का रेडियो टेलीस्कोप बहुत ही बड़ा है। ये फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। इसके जरिए आसमान की स्कैनिंग रोजाना अपने आप होती रहती है। और जब रेडियो एस्ट्रोनॉमर जेरी ईमन ने पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद तारामंडल सेजिटेरियस से एक सिग्नल हासिल किया तो उन्हें लगा कि उनके हाथ खजाना लग गया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो बिल्कुल हैरत में पड़ गया था। इस सिग्नल को 1420 मेगाहर्ट्ज़ पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। ये फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में कोई भी ज्ञात प्राकृतिक शक्ति पैदा नहीं करती। ये ऐसा ही था जैसे कोई और सभ्यता स्टार ट्रेक की थीम को गुनगुनाने लगे। मुझे लगा कि यही वो खास सिग्नल हो सकता है, शायद पहली बार इसे पकड़ा गया हो। हमें इसकी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। ईमन ने फौरन ही इन आंकड़ों की पुष्टि के लिए अपने साथियों को फोन किया। उन्होंने ये सिग्नल पकड़े। इस तरह का सिग्नल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसे लेकर तो वो बस चकित होकर यही कह सकते थे, वाव। मैंने फौरन कंप्यूटर प्रिंटआउट में लिख दिया, वाव, बिना वक्त गवाए। इस कथित वाव सिग्नल की खबर जैसे जैसे फैलने लगी, वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर इसके मूल से जुड़े अन्य कारण ढूंढने की कोशिश करने लगे। हमें ये लगा कि ये सिग्नल किसी दूसरे ग्रह से आ सकता है, लेकिन ये एक अंदाजा ही था। ये देखना होता है कि कहीं ये कोई इंसानी स्रोत तो नहीं, या कोई रेडियो स्टेशन, या फिर ऊपर से गुजरती सैटेलाइट भी हो सकता है। लेकिन इस मकसद के लिए पृथ्वी पर मौजूद कोई भी रेडियो ट्रैफिक 1420 मेगाहर्ट्ज़ का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई भी इंसानी सैटेलाइट इस संरक्षित बैंड पर ट्रांसमिशन नहीं करता। मुझे अब अन्य सिग्नलों पर ध्यान लगाकर ये देखना था कि कहीं ऐसा ही सिग्नल दोबारा तो नहीं मिलता। सिग्नल को दोबारा पकड़ पाने की कोशिशें नाकाम रही। इस शानदार सिग्नल के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। लगा जैसे संपर्क खत्म हो गया है। ना तो ये एक मिनट बाद नजर आया, ना ही कई साल बाद। ये तो फिर कभी दिखा ही नहीं। ईमेन की खोज वाले बाद के वर्षों में इस सिग्नल को खोजने की कई कोशिशें की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि लंबी दूरी से आने वाला ये सिग्नल सिर्फ एक ही बार नजर आया। शायद उन परग्रहियों ने 1977 में हमें संदेश भेजा था, और हो सकता है कि ऐसी किसी संदेश के लिए हमें 50-60 साल और इंतजार करना पड़े। आप इसे ईटी नहीं कह सकते। सिर्फ एक बार देखने के बाद आप कह सकते हैं मैं इसके बारे में नहीं जानता। अगर ऐसा दोबारा होता है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर पूछ रहा है, क्या कोई यहाँ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर दो चीजें तब घबराहट पैदा कर देती हैं जब वो स्पेस में चल रहे अंतरिक्ष यात्रियों के पास से गुजरती है। चीजें इतनी हैरत अंगेज थी कि पृथ्वी पर बैठे कंट्रोलरों की विस्मयकारी आवाजें भी सुनाई देती हैं। 32,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही कोई चीज आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। ये गोली लगने जैसा है, इससे जान जा सकती है। ये चीजें अलग अलग उड़ रही थी और इसी से रहस्य पैदा हुआ। पृथ्वी से 320 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर रूस के अंतरिक्ष यात्री फ्यूडोर यूकिरचिन और मिखेल कोरियन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक कैमरे को बदलने के लिए स्पेस वॉक कर रहे थे। ये एक खतरनाक काम था। अगर आपको कोई रशियन सूट पहनकर यान से बाहर मौजूद हो तो आपको ज्यादा ही चौकन्ने रहते हैं। रशियन सूट के साथ सिर्फ दो रस्सियां ही बंधी होती हैं, और अगर किसी वजह से ये दोनों ही रस्सियां खुल जाएं तो आप तैरते हुए स्टेशन से दूर हो जाएंगे, फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री एक खराब वीडियो कैमरे को बदलने के लिए स्टेशन के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। स्टेशन के कैमरे पास ही उड़ती कई चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के कामकाज के दौरान इस पर से मलबा हटता रहता है। इसमें से कुछ तो स्पेस स्टेशन के साथ जुड़े रोजमर्रा के कामकाज का नतीजा होता है। आमतौर पर पेलोड बे कैमरे अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे जैसी सामान्य चीजों को ही कैद करता है, लेकिन अचानक उन्हें कुछ और नजर आया। कोई चीज है जो उड़ती हुई दूर जा रही है। क्या ये कोई बड़ी चीज है? ये क्या है? मिशन कंट्रोल इसके बारे में गंभीरता से जानना चाहता है, क्योंकि इसके कारण यान में कोई गड़बड़ी भी हो सकती है। नासा ने ऐसी एक चीज की पहचान केवल क्लैंप के तौर पर की, जो ढीला होकर स्टेशन से अलग हो गया था, लेकिन वो उस तेज रफ्तार चीज की पहचान नहीं कर पाए जो ISS के बेहद नजदीक से उड़ती हुई निकल गई, और इससे उन्हें चिंता हुई।
जब आप स्पेस वॉक कर रहे होते हैं तो काफी असुरक्षित होते हैं। आपकी सुरक्षा सिर्फ स्पेस सूट कर रहा होता है। तो अगर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आकर कोई चीज आपसे टकराती है तो ये गोली लगने जैसा होगा, इससे आपकी जान भी जा सकती है। अंतरिक्ष की उड़ान के दौरान चक्कर काटता मलबा लगातार खतरा बना रहता है। पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्षीय मलबा उड़ता रहता है और ये या तो कुदरती सूक्ष्म उल्का पिंडों या चट्टानों की शक्ल में होता है जिसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये मलबा पहले वाली सैटेलाइटों या रॉकेट लॉन्च के कारण होता है या इसमें पेंट अथवा बोल्ट या वॉशर जैसी चीजें भी शामिल होती है। नासा के जिम उबोक को इस चीज को कक्षा वाला मलबा कहने के सिलसिले में एक अलग तरह की समस्या है। अगर हम इस वीडियो के सामने से गुजरती चीजों को देखें तो वो हमें विमानों जैसी लगती हैं, जैसे वो हमारे फ्लाइट पार्ट को काट रही हो। हमें लगता है कि ये हमारे रास्ते को काट रही हैं। अंतरिक्ष में रफ्तार बहुत ही तेज होती है। ये इतनी तेज होती है कि आपको इस इमेज को शायद एक फ्रेम ही नजर आएगा या शायद आपको वो दिखाई भी ना दे। तो अगर ये अंतरिक्ष का मलबा नहीं है, अगर ये चीजें पृथ्वी से ताल्लुक नहीं रखती, अगर ये हमारी नहीं है तो कहीं ये उनकी तो नहीं। चाहे अंतरिक्षीय मलबा हो या परग्रही लोगों की जांच पड़ताल, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इनसे टकराने का मतलब है वजूद का खात्मा। जब नासा का पहला मानव युक्त यान चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था तो लगा जैसे अंतरिक्ष के जीव उसका पीछा कर रहे हैं। अपोलो 8 ने किसी स्क्विड जैसी लगने वाली एक चीज देखी। जो चीज हमने वहां देखी ना तो हम उसे पहचान पाए ना उसके बारे में कुछ बता पाए। ये क्या है, ये क्यों है और क्या हमें कभी इसके बारे में नासा से कोई ढंग का जवाब मिलेगा? दिसंबर सन 1968, अंतरिक्ष से जुड़ी दौर के चरम समय पर अपोलो 8 का मिशन था चंद्रमा तक पहुंचना और लैंडिंग वाली संभावित जगहों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेकर लौटना। यह मिशन कामयाब लग रहा था। नासा को यकीन था कि वो चंद्रमा तक के इस दौड़ में सोवियत संघ को हरा सकता है। लेकिन जब नासा ने अपोलो 8 की फिल्म को डेवलप करना शुरू किया तो उसमें कुछ अजीब सा नजर आने लगा। अपोलो 8 ने अपने मिशन के दौरान बहुत सारी तस्वीरें खींची, लेकिन आज हम जहां डिजिटल तस्वीरों को फौरन देख पाते हैं तब वैसा नहीं था। ये तस्वीरों ने पृथ्वी पर लौटने के बाद ही दिखने वाली थी। उन्हें इन तस्वीरों में कुछ ऐसा दिखने लगा जो उन्हें समझ नहीं आया। जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि कहीं ये स्टार ट्रेक एपिसोड का कोई ट्रेलर तो नहीं है। कोई चीज अपने स्पर्शत फैलाकर जैसे आपके भेजे को बाहर निकालने की कोशिश में हो, क्योंकि ये एकदम अनजान चीज लगती है। इस तस्वीर में अंतरिक्ष में तैर रहा स्क्विड जैसा कोई जीव नजर आया। इसे नाम दिया गया है स्पेस स्क्विड। भला स्पेस स्क्विड क्या होता है? कोई स्क्विड अंतरिक्ष में कैसे रह सकता है? क्या ऐसे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन वाले माहौल में जिंदा रह सकते हैं? कोई भी ज्ञात जीव अंतरिक्ष के बेहद ठंडे और बिना हवा वाले वैक्यूम में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट क्रिस मैके को लगता है कि शायद स्पेस स्क्विड कोई जीवित जीव रूप नहीं है। मेरा अंदाजा तो ये है कि ये कोई परग्रही स्पेसक्राफ्ट है जो हमारे स्पेसक्राफ्ट की तुलना में कहीं ज्यादा उन्नत है और इसे स्पेस में कायम रहने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसे सिर्फ ऊर्जा की जरूरत है। अगर ये स्क्विड एक स्पेसक्राफ्ट है तो शायद इसके स्पेसशिप एक कमाल की पावर ड्राइव है जो क्राफ्ट के पीछे ऊर्जा की एक लहर छोड़ते चलते हैं। परग्रही वासी सितारों के बीच आगे बढ़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते होंगे, इस सिलसिले में आप कोई शानदार तरकीब की मदद ले सकते हैं। आप फ्यूजन चालक रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसी लाइट सेल का जो लेजर बीम से चलती हैं, और शायद आप लेजर के बजाय इलेक्ट्रो बीम का इस्तेमाल करना चाहें। शायद अपोलो 8 की तस्वीरों में किसी किस्म की इलेक्ट्रॉन ड्राइव की ही झलक नजर आती है। लेकिन नासा के जिम ओबर्ग ये मानने को तैयार नहीं कि ये एक स्पेसक्राफ्ट है। मुझे लगता है कि लोग कई तार्किक कारणों से इन तस्वीरों के बड़े शानदार मतलब निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे मतलब निकालने की अपनी समझ का इस्तेमाल करें तो ऐसे कुछ आइडिया ठीक भी लगते हैं। ओबर्ग का मानना है कि अपोलो 8 स्पेस स्क्विड उस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का परिणाम है जिसकी वजह से प्रोसेस किए गए फिल्म नेगेटिव के छोटे हिस्से ओवर एक्सपोज हुए और उससे स्क्विड जैसी तस्वीरें बनी। ये धुंधली है, आपको इसे दिखाने के लिए ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है। लगता है ये फिल्म इमल्जन की खामी है।
ऐसे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा पैटर्न बार बार नजर आता है तब ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर हमें परग्रहवासी मिलते हैं तो वो इतने भिन्न होंगे कि हम फौरन समझ जाएंगे। शायद कोई परग्रही जीवित जीव जैसा लगे ही नहीं। इसकी विकास प्रक्रिया एकदम अलग तरह की रही होगी। ये देखने में एकदम भिन्न लग सकता है और हम इसे समझ तो बिल्कुल पाएंगे ही नहीं। जब नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से अंतरिक्ष में रोशनी की अजीबोगरीब लाइनें नजर आईं, ये आसमान में मौजूद विशाल लाल जेलीफिश लग रही थी। इन्हें देखने के बाद मन में सवाल उठने लगा कि मैंने अभी जो कुछ देखा क्या वो सही था। तो उन्होंने कुछ कड़वे सवाल पूछने शुरू कर दिए। इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? आप तो इसे कोई UFO भी मान सकते हैं। बाप रे। अक्टूबर सन 1989, स्पेस शटल एटलांटिस मेसोस्केल लाइटनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए पृथ्वी पर सक्रिय गरज भरे तूफानों की फिल्म बना रही थी। जब ये टेप पृथ्वी पर पहुंची तो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट स्कीट वॉगन ने इन्हें देखा। उन्होंने जो कुछ देखा वो उन्हें समझ नहीं आया। लग रहा था जैसे स्पर्शकों वाली कोई बड़ी सी लाल जेलीफिश उल्टी लटक रही हो। इन्हें देखने के बाद मन में सवाल उठने लगा कि मैंने जो कुछ देखा क्या वो सही था, और जवाब था हाँ, वो वही था जो मैं सोच रहा हूँ। और इस चीज को स्पेस स्प्राइट्स या स्पेस एंजल्स कहते हैं। स्पेस स्प्राइट्स या स्पेस एंजल्स बिजली के वो विशाल डिस्चार्ज मालूम होते हैं जो बादलों के ऊपर होते रहते हैं। जब मैंने सबसे पहले इस रोशनी को देखा तो ये मुझे बहुत ही रोमांचक लगी। इसे देखते ही मुंह से निकला वाओ। ये एक ऐसी चीज है जो काफी ऊंचाई पर होती है और आप इसकी उम्मीद ही नहीं करते। ये बिजली करीब 56 किलोमीटर की ऊंचाई पर चमक रही है। तब सवाल उठता है कि ये सब किस कारण से हो सकता है। निन्यू लू जैसे वैज्ञानिक जानते हैं कि कोई स्प्राइट्स हर 2 मिनट में अंतरिक्ष में फायर होती है। लू को लगता है कि ये गरज भरे बादलों के ऊपर बनने वाले विशाल विद्युतीय क्षेत्रों की वजह से पैदा होते हैं। जब चार्ज बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो ये बादलों के ऊपर डिस्चार्ज होता है। लेकिन कई साल के अध्ययन के बावजूद वो स्पेस इंजन के रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। वजह तो पता नहीं, लेकिन 10 में से 1 आसमानी बिजली जमीन तक एक नेगेटिव चार्ज के बजाय एक पॉजिटिव चार्ज पहुँचाती है। माना जाता है कि यही पॉजिटिव डिस्चार्ज वायुमंडल के छोर पर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्प्राइट्स को पैदा करते हैं। हम गरज भरे तूफान और आसमानी बिजली के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं जानते कि वो काम कैसे करते हैं। कोई भी सही सही ये भी नहीं जानता कि स्प्राइट्स कैसे और क्यों विशाल इलेक्ट्रिफाइड जेलीफिश जैसे लगते हैं। हमें चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से की जानकारी ज्यादा है और समुद्र की गहराई के बारे में कम। यही बात हमारे अपने वायुमंडल पर भी लागू होती है। बहुत पहले भुलाया जा चुका एक स्पेस प्रोब एक ऐसी चीज के अवशेष ढूंढ लेता है जो एक परग्रही ऊर्जा स्रोत हो सकती है। इकट्ठा किए जा सकने लायक ऊर्जा उस कुल ऊर्जा से 1 खरब गुना ज्यादा है जो पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। ये स्रोत इतना विशाल है कि ये पूरे तारे को अपनी जकड़ में ले सकता है। जब हम ब्रह्मांड पर नजर डालते हैं तो हमें ऐसी बहुत सी चीजें नजर आती हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं इसका कोई कृत्रिम स्रोत तो नहीं। सन 1983 में नासा ने दुनिया का पहला इंफ्रारेड सैटेलाइट आयरास लॉन्च किया। इसने ब्रह्मांड में इंफ्रारेड सिग्नल ढूंढने के काम में 10 महीने लगाए ताकि पता चले कि वहां क्या है। सैटेलाइट ने ब्रह्मांड में तारों जैसी करीब 2.5 लाख चीजें देखी। 20 साल से भी अधिक समय बाद फिजिसिस्ट डिक कैरिगन ने आयरास मिशन डेटा को छानने का निश्चय किया ताकि आज तक की सबसे बड़ी निर्माण परियोजना की निशानियां ढूंढ सके। वो एक डायसन स्फीयर को ढूंढ रहे हैं। डायसन स्फीयर एक ऐसा पावर सिस्टम होता है जो किसी तारे की पूरी रोशनी का इस्तेमाल करता है। अगर आप वाकई कोई उन्नत समाज से हैं, तो आपको कोयला खोदने और उसे जलाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस अपने तारे के चारों तरफ सोलर पैनल लगा लीजिए और धूप को ऊर्जा में बदलिए। फिर आपको जहां भी बिजली की जरूरत हो वहां उसका इस्तेमाल कीजिए। अब सूरज को ही इन पैनलों से घेर दीजिए, इसकी सारी रोशनी को इकट्ठा कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इसे नाम मिला दूरदृष्टि रखने वाले वैज्ञानिक फ्रीमैन डायसन से,
उन्होंने 1960 के दशक में ये आइडिया सामने रखा था। ऐसी किसी विशाल संरचना को बनाने संबंधी टेक्नोलॉजी इंसानी क्षमता से परे की चीज है। एक डायसन स्फीयर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक गैर जरूरी ग्रह को तोड़ना होगा, फिर उसके लाखों टुकड़ों पर ऊर्जा हासिल करने वाले सोलर पैनल लगाने होंगे, फिर उन्हें बेहद गर्म सूरज के चारों तरफ इकट्ठा करना होगा। ये कोशिश बहुत ही विशाल है, लेकिन यही इसे विचार योग्य भी बनाती है। जब आप ऐसी किसी चीज को ढूंढते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका प्रभाव काफी बड़ा हो। खरबों मील दूर उड़ता हुआ कोई स्पेसशिप ज्यादा अंतर पैदा नहीं कर सकता। आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसका आकार ग्रह जैसा या कम से कम तो तारे जैसा हो ही। तो सवाल है कि क्या हम एक डायसन स्फीयर ढूंढ सकते हैं? डायसन स्फीयर की चमक सामान्य तारों जैसी नहीं होती है। अगर आप इसके बाहर होंगे तो आपको सूर्य से आती रोशनी नजर नहीं आएगी, लेकिन आप इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं देख पाएंगे क्योंकि सेल सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाता है, तो आप इसे इंफ्रारेड रेडिएशन के बड़े स्रोत के तौर पर देखेंगे। इसीलिए कैरिगन आईरास डेटा की जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमने जब ये खोज शुरू की तो हमें 2.5 लाख संभावित इंफ्रारेड चीजें मिली। इनकी हमने और ज्यादा छटनी की तो हमें कुछ ही भरोसेमंद स्रोत मिले, लेकिन इन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता था। एस्ट्रोनॉमर अब डायसन स्फीयर को ढूंढने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें कुछ असाधारण ढूंढने में शायद अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब क्या हो अगर किसी आकाशगंगा में कोई इतनी उन्नत सभ्यता हो कि उसकी सभी तारों की चारों ओर डायसन स्फीयर हो? तब तो उनकी इंफ्रारेड निशानियां पूरे आसमान में ये ऐलान करती दिखेंगी, हम उन्नत हैं, हम बेहतरीन हैं। नासा अंतरिक्ष में जितनी गहराई तक नजर डालता जा रहा है, हमारा ब्रह्मांड उतना ही ज्यादा हैरत अंगेज लग रहा है। ये एक ब्लैक होल है और ब्लैक होल काफी मजेदार होते हैं। एक ऐसा ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के बीच में है जो हमारी गति को बनाए रखता है। ये कमाल का है। हर मिशन से नए सवाल पैदा होते हैं। लग रहा था जैसे किसी ने आसमान में एक एक्स टांग दिया हो और वो कह रहा हो, देखो यहाँ कुछ दिलचस्प हो रहा है। और इन सवालों के जवाब बेहद विचित्र नजर आते हैं। मैं गहरी सांस लेकर कहती हूँ कि शायद एनसेलेडस में एक वायुमंडल है, एनसेलेडस जीवित है। एक बात तो तय है, हमने उस ब्रह्मांड के बारे में अभी जानना शुरू ही किया है जो रहस्यों से भरा पड़ा है। मुझे ये बात बहुत रोमांचक लगती है कि आप अंतरिक्ष में जो कुछ देखते हैं उस सब की कोई वजह नहीं बता पाते, इसलिए हम और ज्यादा जानने के लिए वहाँ जाते हैं। और जब भी हम ब्रह्मांड में किसी प्रोब को और आगे भेजते हैं, हमें ऐसी अनोखी चीजें मिलती हैं जिनकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये मजेदार बात है।